सुनेत्रा मैं पहले ही तुम्हें बता रही हूँ, जो भी बनाओगी मैं पूरा खाने वाली हूँ, बिकॉज़ आई एम वेरी हंग्री। हंग्री? और अभी से? अभी से नहीं, कल से। कल मेरा फास्ट था ना, मुझे कुछ खाने को ही नहीं मिला। तुम व्रत रखने लग गई हो? यस, व्रत रखना पड़ा मुझे। वो क्या है ना, पंडित जी ने बोला था टू गेट अ टॉल डार्क एंड हैंडसम गाय मुझे फास्ट करना होगा, सो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट। बट ये ट्रायल ने तो वाट लगा दी, कुछ भी खाने को नहीं मिला। आई कैन अंडरस्टैंड, तो बहुत ही ज्यादा स्टार्व कर रही हो, राइट? यस यस। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन डिश है जो व्रत के बाद खा सकते हैं। ओह वाओ सुनेत्रा, तो चलो आज हम वही डिश बनाते हैं, क्योंकि आई एम श्योर मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो फास्ट तो रख लेते हैं लेकिन फिर समझ में नहीं आता कि खाएं क्या। एग्जैक्टली तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं आपके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए शकरकंद का हलवा। शक्करकंद का हलवा? साउंड्स इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग इन फैक्ट। सो लेट्स सी व्हाट इज इट जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सुमन, हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे स्वीट पोटैटो, यानी हमारा शक्करकंद। शक्करकंद को हमने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है और इसकी स्किन निकाल दी है। इसे हम अभी क्यूब्स में काट के मैश करेंगे। अलॉन्ग विद दिस मेरे पास यहाँ पे कार्डमम, सैफ्रन और कैशनट्स भी है जो बहुत ही रिच फ्लेवर देगा हमारे इस हलवे को। ओके, so shall we begin now? Oh please go ahead, let's begin. So we'll take a sweet potato, ise roughly chop kar lete hain, ise humne sirf mash karna hai abhi. Again sweet potato is such a versatile ingredient in a product ki aap ise kabhi bhi kha sakte ho, aur shakarkand aisi ek ingredient hai jo bahut zyada versatile hai. Iske andar bahut sara fiber hota hai, so for your digestion bahut hi acha hota hai, especially during vrat. आप व्रत रखते हो तो पूरा दिन फास्ट होता है, सो देर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन योर टमी। सो अगर आप कुछ भी खाते हो विच इज़ स्लाइटली लेस इन फाइबर, इट माइट यू नो कॉज यू सम प्रॉब्लम एंड ट्रबल। जो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है व्रत के टाइम खाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, शकरकंद में एसेंशियल वाइटामिन्स भी होते हैं जो बॉडी के वेयर एंड टेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। So it's very, very healthy, nutritional, especially for growing kids as well. Let's start cooking now. Yeah. So सबसे पहले हम fry करेंगे cashew nuts, जो एक बहुत ही toasty flavor देगा हमारे इस हलवे को। मैं यहाँ पे use कर रही हूँ घी। आप चाहो तो आप you can use oil as well. There are plenty of viewers जो vegan है, जहाँ पे वो dairy products का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, so they can substitute ghee with any oil that they have. Okay. जैसे ही यहाँ पे हमारा घी थोड़ा सा melt होने लगता है, we shall add our cashew nuts. I just bring a spatula for you. Sure. So viewers, यहाँ पे हम जो हमारे cashew nuts है पहले ही इसे अच्छे से ब्रॉयल कर रहे हैं और टोस्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि जब हम इसके अंदर पोटैटो वगैरह डालेंगे इट विल नॉट गेट दैट टोस्टी फ्लेवर, सो दैट इज़ वाई हम पहले से इसको टोस्ट कर लेंगे, उसके बाद बाकी की प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे। सी देयर यू गो, द कैशू नट्स आर नाउ टोस्टेड, तो हम इसे अभी निकाल लेते हैं। इसे निकाल के विल कीप इट असाइड, और सेम पैन अब हम यूज करेंगे to cook the sweet potatoes. So our mashed sweet potatoes, इसे सौते करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से घी के अंदर हमने सौते करना है। Now we can go ahead and add sugar. यहाँ पे मेरे पास हाफ अ कप ऑफ शुगर है, सो आई एम टेकिंग ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर एज कम्पेयर टू द स्वीट पोटैटोस। एज सून एज इसके अंदर शुगर डलती है, शुगर स्लोली कैरमलाइज होना शुरू करेगी एंड इट विल ऑल्सो स्टार्ट गिविंग आवर स्वीट पोटैटो अ हल्का ब्राउन कलर। और आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्चुअली ग्रैनुलेटेड शुगर डाली है। वेदर इट विल मेल्ट और इट विल नॉट मेल्ट, डू नॉट वरी एट ऑल। सिंस हीट ऑलरेडी अप्लाई हो रही है, इट विल स्लोली मेल्ट अवे और एकदम स्मूथ हो जाएगा आपका हलवा। दिस इज़ अ टाइम वेयर वी कैन गो अहेड एंड ऐड कार्डमम। हम अभी इलायची इसमें डालेंगे। सो आई एम जस्ट टेकिंग 2 कार्डमम पॉड्स, इसको मैं हल्का ब्रूज करूँगी। So we'll just smack it with our knife, ताकि ये हल्का सा ओपन हो जाए।
सो व्यूअर्स, यहाँ पे जो कार्डमम हमने डाला है, दिस विल ओनली गिव अस दैट रियली लवली अरोमा. यहाँ पे कोई फ्लेवर फैक्टर नहीं होगा. हावेवर, इसके थोड़े से हेल्थ बेनिफिट्स भी है, जैसे कि जो इलायची है, दे आर एक्चुअली एंटी ऑक्सीडेंट्स. ओह, इट्स इंटरेस्टिंग टू नो दिस. अभी जो ये स्वीट पोटैटो और इलायची और शुगर का हमने मिक्सचर रेडी कर लिया है, दिस विल टेक अबाउट 10 टू 12 मिनट्स टू कुक. तो उसे हल्के आंच पे हमने पकने देना है. वंस जो घी है वो हल्का हल्का निकलना छूटना शुरू होगा, दैट इज़ द टाइम दैट आर डिश इज परफेक्टली रेडी. जब तक ये ऑयल छोड़ना शुरू करेगा, लेट मी जस्ट ऐड अनदर रिच इंग्रेडिएंट इन दिस पर्टिकुलर डिश, जो है हमारा सैफ्रन. सैफ्रन, ये जो केसर होता है, मेक्सिको सिटी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है. मेक्सिको इनफैक्ट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फॉर सैफ्रन. इट इज़ एक्चुअली द एंथर ऑफ अ स्मॉल लिटिल फ्लावर जो साल में सिर्फ एक ही महीने में ग्रो होता है. So that is the reason it's so expensive. Exactly. So वहाँ के लोग वो फ्लावर को प्लक करते हैं, वहाँ से वो anthers को निकालते हैं, and then they toast it and roast it in the sun, and then they go ahead for selling and manufacturing. Oh, thank you so much, Sunetra. ये fact about केसर, I didn't know, and it was so interesting to know this. So let me just add in few pods of saffron, not much. बहुत ही हल्का लगता है. Again, as soon as it hits the heat, it'll start toasting again, और एक हल्का सा aroma भी आएगा from the saffron. बिल्कुल, मुझे अभी से वो aroma आ रहा है. It is smelling like a combination of sweet potato, elaichi, and then saffron now. Okay, दोस्तों, जब तक हमारा ये हलवा तैयार होता है, you go and take a quick recap. Sweet potato हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए boiled sweet potato, कार्डमम, कैशू नट्स, सैफ्रन, घी और शुगर. सबसे पहले बॉइल्ड स्वीट पोटैटोस को रफली चॉप करके मैश कर ले. अब एक पैन में घी डालकर कैशू नट्स को फ्राई कर लीजिए. फिर कैशूज को पैन से निकालकर अलग रख दे. अब इसी पैन में मैश किए हुए स्वीट पोटैटो डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं. इसमें शुगर, कार्डमम और सैफ्रन डाल दे. अब इसे 10-15 मिनट तक पकाने के बाद कैशू से गार्निश करके सर्व करें. आपका यमी स्वीट पोटैटो हलवा रेडी है. सुमन, ये देखिए, आई थिंक आवर हलवा इज राइट नाउ रेडी. थोड़ा घी भी छूटने लग गया है. सो लेट मी जस्ट टर्न दिस ऑफ और इसे हम अभी सर्व कर लेते हैं. ओह, इट स्मेल्स सो हेवनली. आई एम श्योर इट विल टेस्ट इवन बेटर देन इट लुक्स. And the cashew nuts that we fried in earlier, we'll use that for garnishing. So, couple of cashews. So that's it. So Suman, आपके व्रत के टाइम खाने वाली एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस डिश अब रेडी हो गई है. Would you like to try this out? Oh, Nikki और पूछ पूछ. ये लीजिए. Yeah, just a sec. Wow, wonderful. It's heavenly. Thank you so much, Sunetra. Pleasure was all mine, Suman. For more recipes, subscribe to our channel, My Food Talk.